एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत अच्छा सीरीज़ बनाया है, तो ये आपका दायित्व है कि आप आके उसे देखें। और जैसे कि मैं 23 साल से कह रहा हूँ, अच्छा काम करते आ रहे हैं हम लोग,
और आप लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग आकर देखें इसको। ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? Nothing really, just whoever sees it enjoys it. अभी लोग देख रहे हैं, देखने के बाद मैं कॉम्प्लीमेंट्स ले लूँगा लोगों से, बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को पूरी सीरीज़ पसंद आए, ना कि सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस, बाकी जितने भी एक्टर्स हैं इस सीरीज़ के अंदर बहुत उम्दा काम किया है लोगों ने, तो मैं चाहूँगा कि सबको अप्रिसिएशन मिले। मैं इतना ही है कि मेरा प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई हरेसमेंट का केस हो तो उसे सीरियसली देखना चाहिए, और क्योंकि मैं हर एक केस को इंडिविजुअली जानता नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई हरेसमेंट का केस है तो उसको सीरियसली देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इंडिविजुअल जो है मुझे डिटेल्स पता नहीं, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना ही मैं जुडिशरी हूँ, तो जहाँ तक हरेसमेंट का केस है कोई भी हो उसे सीरियसली देखना चाहिए, उसके अंतिम अंजाम तक उसे देखना चाहिए। यार द फर्स्ट स्क्रीनिंग जस्ट हैपेंड, अपेरेंटली लोगों को अच्छा लगा काफ़ी, बाकी द मेन थिंग इज कि ये तो मीडिया और बाकी फैंस वगैरह के लिए, तो कल जब स्ट्रीम होगा तब पता चले। I'm actually very, very, I'm expecting a great response. I'm very confident of the show and I think we've done something great and I'm very proud of all of us. Yeah, it's an odd story and stuff. It's a new story. It's not a usual thing. So the only response that we've gotten so far is ki intriguing hai. और शो देख के पूरी बात समझ आएगी, तो मुझे दफो फीडबैक देना। भाई एक सेकेंड, नो आई डन वन बिफोर एक्चुअली फॉर हॉट स्टफ। यार लाइक द फैमिली इज डिसफंक्शनल, तो हर किसी के अपने अपने कुछ डिसफंक्शनल क्वालिटीज हैं, सो समर भी इज obviously not the greatest of the guys, so sare characters flawed hain, so this way that's why I love playing the character. Sonali is very close to me actually, matlab there are very few differences between me and her, so I think I keep saying this that I want to grow up and become her, so I'm very happy to play this character. It wasn't very far away, it was personal for me. Thanks. Varun, as a part of the film, as a TV industry for a long time, and you've been a senior member as well, so tell us, there's a very serious allegation against Alok Nath ji that has come in just today itself. What do you want to say about that? He's also been a very senior member of the TV industry as well, not just film. I don't think any allegation has to do with the seniority in any kind of industry. I think it's a personal thing. It's a very serious allegation, and I don't know about any kind of case, but I would just like to say ki anyone who this happened with is now a good time to speak up. Please have courage, just speak up. Hashtag #MeToo केस में उनको किस तरह से देखते हैं? वही तो पूछा उसने भाई। नहीं, लेकिन काफी सेलिब्रिटी भी ओपनली आए हुए हैं। वही तो पूछा उन्होंने यार, कहां थे? गाइस आई थिंक हो गया अभी। शो के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। यार मैं क्या बोल रहा हूं? आराम से बैठो। मोशन कैसे भी आए? बच्चे का जब पूछेंगे ना तो उनका नीचे आ जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, दिस इज माई फर्स्ट वेब सीरीज स्पेशली विद ऑर्ड बालाजी, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग। इसके लिए हमने बहुत बहुत मेहनत से शूट किया है और आई होप आप लोगों को पसंद आए। So I'm waiting for like excited faces and happy faces after the screening. Okay Shanaya, जैसे कि मैंने पोस्टर में देखा काफी अलग से आप रोल में नजर आ रही हैं, इस किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए किस तरीके से। ये एक्चुअली इस किरदार के बारे में मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकती बिकॉज ये एक सीक्रेट है शो में, तो ये आपको देखना पड़ेगा जानने के लिए,
बट आई डिड गेट टू एक्सपेरिमेंट विथ माई लुक्स और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते. लाइक ज़्यादातर ऐसे ही लुक होता है. तो ये टॉम बॉय लुक जो मैंने प्ले किया इस वाले पोस्टर में नहीं दूसरे वाले में, बट वी यूज द वीक और मतलब वो लुक में एक घंटा जाता था मतलब रेडी होने में और पूरा गेटअप में आने के लिए. एंड द कैरेक्टर वॉज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव प्लेड अभी तक. मतलब जितने भी मैंने किरदार निभाए हैं उन सब से बहुत अलग है. तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया देख के. इसके बारे में मैं देखो मैं कोई नहीं होती हूँ कुछ बताने के लिए ऐसे, बट आई मीन जस्टिस शुड बी सर्व्ड. अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है और उसके यू नो राइट डिसीजंस लेने चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, हमारे पीपल को, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो इट शुड बी सेफ स्पेशली फॉर वुमेन. और अगर हमें सेफ नहीं लगता हमारे इंडस्ट्री में, हमारे काम में, तो इट्स अ वेरी सैड थिंग. नहीं सॉरी आई हैवंट सीन दोस वीडियो. राखी सावंत हो गए और भी आए हैं. नहीं नो कमेंट्स. थैंक यू सर. थैंक यू. ये अच्छा हुआ. क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज के बारे में? एक्सपीरियंस कैसा था सबके साथ काम करने का? अच्छा लगा. किसके साथ काम करके आपको ज़्यादा अच्छा लगा? सबके साथ. और सेट पे कितनी सारी मस्ती की? बहुत सारी कौन है आपका देखा जाता है इन सभी में? किसी एक का अगर चूज़ करना चाहे तो किसे चूज़ करेंगे आप? आ गया तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है. आ गया मुझे कवर भी मत कवर करेगा. देखिए आदमी ना काय को लेके आते हैं इसको. देखिए नाम है डिसफंक्शनल फैमिली और ये फैमिली ऐसी है. मैंने 3 एपिसोड देखे, बड़ा मज़ा आया. प्यार हो जाएगा आप लोगों को इस फैमिली से. बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है. एक अलग टाइप का ह्यूमर है, एकदम सटल ह्यूमर है, जो समझ में आया तो बहुत अच्छा लगेगा. तो इट्स वेरी नाइस. आई लव इट. सबसे फेवरेट कैरेक्टर अभी मैंने 3 देखा. मुझे दादी बहुत अच्छी लगी. स्वरूप जी जो हैं वो बहुत कमाल हैं. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एवरी सब अच्छे हैं बट मुझे वो बहुत प्यारी लगी. ऑफकोर्स KK जी हैं तो और कुछ बोल ही नहीं सकते. इज़ ब्रिलियंट. एंड वरुण है, ही इज़ ऑल्सो डन लवली जॉब. तो बहुत सही है. एंड मुझे खास करके मतलब बोलना है कि तनवीर के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है तनवीर. वेरी नाइस. Justice. अगर कुछ गलत हुआ है किसी के साथ तो उनके साथ सही होना चाहिए. और अगर अभी सब बोल रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही है कि जितने लोगों के साथ जो कुछ हुआ है गलत हुआ है प्लीज़ वही बोले. इसमें बहुत लोगों ने कुछ गलत गलत इल्ज़ाम भी लगाए लोगों के ऊपर. सो अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है जैसे आपने कहा तो आई थिंक सज़ा तो मिलनी चाहिए. ही शुड बी पुट टू जस्टिस. There's one more point that has been coming up that TV channels, production houses, everyone should have a sexual harassment cell within themselves, which a lot of people have admitted they don't have it. Do you feel that it's high time that everyone, irrespective of how big their organization is, should have a sexual harassment cell and take these issues seriously? I think so. Yeah, it's high time. If we have that thing in place, a separate cell or whatever you call it. I don't think then these things will come up or you know it will be a safer environment for all. I mean it's not only that you know women are you know targeted or whatever, so there will be no sexual harassment at all. At least there should be some fear that something is there, some body is there which will you know keep an eye or which will probably there should be a fear of that body. Nitin, Big Boss kitna follow kar rahe hain aap? Off and on.
ऑफ एंड ऑन मैं रोज देख नहीं पाता हूँ, बट जब जब जाता हूँ, जब जब मौका मिलता है जरूर देखता हूँ, क्योंकि आई मैं पार्ट हिस्सा रह चुका हूँ तो डेफिनेटली। मैं तो देखो मेरे हिसाब से मैं उस घर में रह चुका हूँ और जिन जिन हालात से गुजरा हूँ, मेरे हिसाब से हर एक विनर है, क्योंकि वो घर में रह के इतना सब झेलना और इतना सब करना वो आसान नहीं है। बिलीव मी, हमें दिखता कुछ और है, अंदर होता कुछ और है, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जैसे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हमें पता है, वक्त का पता है, हमें सब कुछ पता है, वहाँ कुछ पता नहीं होता है, कितना बजा है, क्या हुआ है, क्या नहीं है। तो आई थिंक हर एक है, बट येस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक करणवीर बोरा बच्चा कर रहा है, दीपिका जी हैं, नेहा पेंस है, तो मैं इन तीनों को तो देखना चाहूँगा ही चाहूँगा, और ऑफकोर्स रोमिल है। बाकी आई थिंक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी गेम वैसे वैसे मैं जज कर पाऊँगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, देखना ना भूले। मैडम लुक कैमरा मैम यहाँ पे फोटोज गार्डन में घूम रहे हैं सर। वाइट करना है, चलो कहाँ है, चलो आने से दे दा। अच्छा चढ़ेगा तुझे मैडम, सदा भाई भी कैमरा में मैडम, यहाँ पे बाद में झगड़ा हो तो आप घूमोगे यहाँ पे सेंटर में। थैंक यू, ये कैमरे में, ये कैमरे में सर यहाँ पे वीडियो करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बाइक करे इसका, ये आ जाओ, वो तो भी हो मैम सर, यहाँ पे मैम यहाँ पे मैडम एक्शन।
I'm expecting the best because it's Alt and they've always given quality work, and I'm here to see some great work by great actors. KK Menon is a great actor, so I'm here to see KK Menon. Yeah. Yeah, it's produced by my very dear friend Tanveer. I wish him all the best. It's coming on Alt, which is of course an amazing place platform to come on. And KK is a wonderful actor, so looking forward. Eh? Yeah, thank you. हम जाएंगे ना लेकिन स्क्रीन के इस तरफ साथ में हम बैठ के देखते हैं साथ में. ऑफ कोर्स आई एम वाचिंग. आई लव वाचिंग. आई एम नॉट वाचिंग. अच्छा कौन सी ज्यादा जोड़ी आपको पसंद आ रही है यार? अभी समझ में नहीं आ रहा है. सब थोड़ा. हां हां वो अच्छा है, वो अच्छा है. यस आई थिंक दैट्स हिज फेवरेट जोड़ी. या यार आई लव यार अनूप जी. एक्चुअली पहले मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी बट नाउ आई लाइक हिम. इज अ नाइस गाय आल्सो. आई फील नाइस मैन रादर. आई फील आई लाइक श्रीशांत एंड नेहा. ओके गाइस आई थिंक एक मिनट एक मिनट हैशटैग मी टू दिस आई थिंक. What am I expecting tonight? You know, a little secret. मैंने इसके rushes देखे हों पहले, so I'm expecting to see the entire episode. I'm very excited. I'm very happy for Tanveer. मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत की है he as a producer and his production house to kind of put the show together. And I love his passion for what he does. And I'm really just got all my good luck wishes for him. मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता. अनफॉर्चुनेटली मैं मेरा ये मंथ इतना हेक्टिक रहा है. जस्ट बीन ट्रैवलिंग सो आई एम नॉट बीन एबल टू फॉलो बिग बॉस. मैंने ओपनिंग एपिसोड देखा था बिकॉज ऑफ सलमान खान. आई लव हिम. आई लव द वे ही होस्ट्स बिग बॉस. बहुत ही लेट बैक हैं, बहुत ही कूल हैं. एंड आई जस्ट लव द वे ही डज द एंटायर शो. I have no idea about that. No. Right. Unfortunately, I don't know anything about it. मैंने टीवी देखा नहीं. I've just been traveling. मैं आज सुबह ही लैंड किया हूँ दोहा से, तो मैंने देखा नहीं है. Once I have a look at it, I'll have some better information to talk about it. करण, लेकिन आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, देखा जाए तो जी. Hashtag Me Too movement जो हो रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, definitely I think I'm in support of the whole Me Too movement, और ये होना भी चाहिए. अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, I'm absolutely against it. And हर लड़की को एक मौका मिलना चाहिए टू वॉइस हर ओपिनियन, टू वॉइस व्हाट हैज हैपेंड टू हर, अपनी कहानी बताने के लिए, टू टेल हर स्टोरी. एंड आई थिंक द इंडियन जस्टिस एंड द इंटायर इंडस्ट्री शुड ओनली डू नथिंग बट जस्ट सपोर्ट इट. एंड या सो आई एम विथ द मी टू मूवमेंट एंड ऑल माई सपोर्ट टू ऑल द वुमेन एंड मोर पावर टू वुमेन. जी राइट. आई एम सॉरी जी जी डेफिनेटली आई थिंक यू नो द फिल्म इंडस्ट्री नाउ थिंग्स आर बिकम मच बेटर. आई थिंक हर प्रोड्यूसर एक्टर्स ज़्यादा अवेयर हैं. सो आई एम 100% श्योर कि द राइट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट थिंग्स एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ऑल दीज क्लॉजेज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट विल बी इंक्लूडेड. एंड या लाइक आई सेड मोर पावर टू वुमेन एंड जस्ट सेफ्टी फॉर एवरीबडी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
अल्ट बालाजी का नया शो है तनवीर से बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है हमें, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू टोटली टोटली किल इट. जल्द ही आई थिंक वेब इज़ द न्यू वे टू गो. एवरीथिंग इज बीइंग मेड ब्यूटिफुली. आपको क्रिएटिव लिबर्टीज मिलते हैं, तो आई एम श्योरली लुकिंग एट वेब फॉर फ्यूचर. यस, आई एम श्योर. आई मीन समथिंग लाइक दिस फंक्शनल फैमिली वेयर यू कैन रिलेट टू समथिंग दैट्स मोर रिलेटेबल मोर नेचुरल इज समथिंग आई लुक एट. सो मे बी अ डेली लाइक अ ड्रामा और मिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट. इज मी Why should I deny or why should I tell you yes? Ma'am, the first you are the popular character we get from the ठीक है, कमोलिका जब आएगी तब आएगी. आई थिंक यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम लविंग द हाइप. मेरे लिए बालाजी इज लाइक फैमिली, तो कमोलिका जो भी हो बहुत ही हॉट होगी. इंडस्ट्री में काफ़ी सारा बस चला है. आज एक फ्रेश एलिगेशन आई आलोक नाथ जी के ऊपर, जो एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. ही हैज बीन पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री एज वेल. आपको क्या कहना है इस एलिगेशन? आई हैव नो आइडिया अबाउट कैमरा. शी हैज एक्यूज हिम ऑफ सेक्सुअली हैरेसिंग हिम. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. वी विल टॉक अबाउट द शो राइट नाउ. यू फील दैट एज अ वुमन? लेकिन आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है, हैशटैग मी टू मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं? मैंने एक्चुअली इतना उसके डीप में गई नहीं हूँ, बट व्हेन आई रिसर्च इट आई विल टोटली टॉक अबाउट इट. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज यू नो आई डोंट वांट इट टू गो रॉन्गली. पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, दोनों साइड्स की पूरी नॉलेज होने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं. तो आई एम टोटली फॉर इट. नोबडी शुड बी एक्सप्लॉयटेड. कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं होना चाहिए, लेकिन नो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मी टू ऑल्सो. सो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वेक अप एंड टेक एडवांटेज एंड दैट्स ऑल्सो रॉन्ग एंड पीपल दैट एक्सप्लॉयट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो पहले आपको पूरी कहानी जाननी पड़ेगी ये सोचने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है. बट आई एम टोटली टोटली अगेंस्ट एक्सप्लॉयट. इस चीज़ को देखो जैसा है वैसा देखेंगे. इट्स इन अ जोन दैट इज नॉट राइट. यू कैन नॉट एक्सप्लॉयट पीपल. बट राइट नाउ वी आर हियर टू टॉक अबाउट डिसफंक्शनल फैमिली. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.